नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का आज दिन और आज क्या रणनीति रखनी चाहिए, बेहद खास हो जाता है ये। तो आज की पारी की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेत ही आपको दिखाकर करते हैं। अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं विदेशी बाजार से। एशियन मार्केट देखिए, हरे निशान के साथ खुलने में कामयाब, 11,532 के लेवल्स पर फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी कर रहा है ट्रेड। देखिए तमाम एशियन मार्केट्स 143 अंकों की तेजी, हांगकांग के बाजार दिखा रहे हैं और साथ ही निक्केई में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि शंघाई में हल्की सी बिकवाली का दबाव यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी बेहद अच्छी रही। इनफैक्ट देखिए डाओ, S&P, नैसडैक तमाम इंडेक्स हरे निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे और इनफैक्ट डाओ S&P ने नए रिकॉर्ड्स भी छुए। और साथ ही अगर क्रूड की बात करें, यहां पर उछाल देखा जा रहा है और रुपए में कमजोरी के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन विदेशी बाजारों के संकेतों में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी जो कि कल रात देखने को मिली थी वो भी काफी अहम थी। तमाम विदेशी बाजार क्या संकेत दे रहे हैं, इन संकेतों के पीछे कारण क्या है, बताने के लिए अब हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ गए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बताएं कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी अहम थी और आज विदेशी बाजार अच्छे खासे संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल मजबूत संकेत है और वैसा ही कुछ बोला जेरोम पॉवेल ने जैसा बाजार सुनना चाहते थे, जो बाजार चाहता भी है। इनफैक्ट दरें घटनी चाहिए जुलाई की पॉलिसी में, ऐसा बाजार मान के चल रहा है और ऐसे ही इंडिकेशन जेरोम पॉवेल ने कल अपनी टेस्टिमनी यानी कि अपने जो भाषण है उसमें दिए भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आगे दरों में जो कटौती है उसकी संभावना उनको नजर आती है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि ज़्यादातर जो फेड के अधिकारी हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि आगे जो पॉलिसी है उसे और अकोमोडेटिव होना चाहिए। ये दरअसल इसलिए क्योंकि US में उनका कहना है कि जो बिजनेसेस हैं उसमें जो निवेश है उसमें बहुत ज़्यादा धीमापन देखने को मिला है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि US में जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको लेकर अनिश्चितताएँ बढ़ती हुई दिखी हैं। दो कारण है उसके, पहली बात ट्रेड टेंशन है और दूसरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर चिंताएँ बढ़ती हुई दिखी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटलुक जो है US में उसको लेकर अनिश्चितता बढ़ती हुई दिखी, जिस वजह से बिजनेसिस में जो निवेश है वो कम होता हुआ दिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो मजबूत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी अब भी मजबूत है, लेकिन बाजार सुनना चाहता था कि क्या रेट कट को लेकर कोई संकेत आते हैं। वैसा इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि हाँ हो सकता है, इसी संभावना है कि जुलाई में जब बैठक होगी जुलाई के अंत में तो अब एक रेट कट की जो गुंजाइश है उनको साफ तौर पर नजर आती है। यही कारण है कि आप देखिए आज एसेक निफ्टी ऊपर है, एशियन मार्केट में पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल US के मार्केट से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए, 1% के आसपास की गेंद से पहली बार ऐसा हुआ है US मार्केट के इतिहास में कि S&P 500 ने 3000 का जो लेवल है उसे छुआ, रिकॉर्ड ऊंचाई पे क्लोजिंग हुई। लेकिन दिक्कत की बात केवल एक ही है कि ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के होके मार्केट्स बंद हुए। जैसे ही जेरोम पॉवेल ने अपने सवाल जवाब में ये कहा कि US की इकोनॉमी अब भी मजबूत है, तो ऊपरी स्तरों से थोड़े से US के मार्केट्स अगर आप देखें तो हल्के होके बंद हुए। डाउ अगर आप देखें 77 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, एक समय 200 पॉइंट से भी ज़्यादा के गेंद से, यानी कि करीब करीब 125 पॉइंट के आसपास का गोता ऊपरी स्तरों से डाउ ने लगाया। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि रिकॉर्ड हाई के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। हमारे लिए दिक्कत की बात एक और है, वो है C2 फैक्टर। कल रुपया तो कमजोर था ही 3 पैसे, वो बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन कल क्रूड में 4.5% का उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव आप देखिए $67 के ऊपर आपको नजर आएगा, WTI क्रूड $60.5 के आसपास के लेवल्स आपको नजर आएंगे। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल US में जो तेल भंडार के आंकड़े आए थे, जितना अनुमान था गिरने का इन्वेंट्री उससे 3 गुना ज्यादा गिरी है। अनुमान ये था कि 31 लाख बैरल जो भंडार है वो घटेगा, 95 लाख बैरल से कमी देखने को मिली है, तो उसका इंपैक्ट क्रूड में कल बड़े तौर पे देखने को मिला है। तो इसको बाजार कैसे देखता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल देखा जाए जो बाजार सुनना चाहता था जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी में वो आया, जिस वजह से आप देखिए अक्रॉस द ग्लोब आपको अच्छे संकेत नजर आएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर जेरोम पॉवेल की जो टेस्टिमनी थी वही सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स जो है उसकी चमक बढ़ती हुई दिखी। इनफैक्ट सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्लियरली खरीदारी का ट्रेंड दिखा और साथ ही जुलाई अंत की बैठक जो होगी उसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी यहाँ पर जेरोम पॉवेल ने जताई। तो तमाम बयान थे जिसकी वजह से खरीदारी के स्तर अमेरिकी बाजार में भी दिखे और एशियन मार्केट्स भी यहाँ पर खुलकर तेजी के साथ बंद हो रहे हैं। संदीप, तमाम एशियन मार्केट्स में तेजी है। संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आप देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs कैश मार्केट में 605 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, वहीं कैश मार्केट में DIIs 667 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही FNO की अगर बात करें तो यहां FIIs की तरफ से 245 करोड़ की खरीदारी है। कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं बिकवाली और FNO में FIIs कर रहे हैं खरीदारी। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs की तरफ से क्या रुझान है, देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 141 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में 390 करोड़ से 395 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में यहां पर 220 करोड़ की बिकवाली FIIs की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन खास तौर से आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है
और देखिए एक्सपायरी के पोल पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। ब्रोकर्स पोल के मुताबिक यहाँ पर ब्रोकर्स का मानना है कि 11,450 से 11,500 के बीच एक्सपायरी निफ्टी की होने की पूरी संभावना है। देखिए 25% ब्रोकर्स का मानना है कि 11,500 से 11,550 के बीच हो सकती है एक्सपायरी, वही 45% ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि 11,450 से 11,500 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी होने की संभावना है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ज्यादातर ब्रोकर्स का मानना है कि 30,300 से 30,400 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना है, 50% ब्रोकर्स का ये मानना है। वहीं 30,400 से 30,500 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना 25% ब्रोकर्स मान रहे हैं, 20% ब्रोकर्स का मानना है कि 30,500 से 30,600 के बीच यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से आज अच्छे संकेत हैं, कैसे समझे ग्लोबल क्यूज को और आपकी पहली रणनीति क्या होगी? देखिए वैसे बाजारों के लिहाज से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए जो कच्चे तेल में तेज उछाल आया है वो अच्छा नहीं है और भारतीय बाजार उस पर रिएक्शन देने की थोड़ी कोशिश करेंगे, खासतौर से इसलिए कि जो ये 4.5% की उछाल कच्चे तेल में आई है ये थोड़ी सी उम्मीद से कहीं ज्यादा, इनफैक्ट तो उम्मीद नहीं थी कि कच्चा तेल इस तरह से तेजी से भागेगा। रुपया अब तक तो मजबूत है, थोड़ा आज असर रुपए पर भी इसका पड़ सकता है कि कच्चे तेल की जो उछाल है उससे थोड़ा रुपया कमजोर हो जाए और ऊपर से एक्सपायरी का दिन है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए यह भी काफी होगा कि अगर निफ्टी 11,500 के लेवल के आसपास वक्त बिता दे और वहीं क्लोज हो जाए और बैंक निफ्टी अगर 30,500 के आसपास ही बंद हो जाए तो बुरी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। ऊपरी स्तरों पर दबाव रहने की पूरी आसार है, तो ऐसे में मजबूत शुरुआत के बाद अगर थोड़ा और ऊपर बाजार बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से भी क्वाली फिर से आती दिखे। जो रेंज निफ्टी के लिए निकल कर आती है 11,450, ये वो लेवल है जो पिछले दो दिनों से हम होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर नजर रखनी चाहिए। इसके नीचे फिसले तो फिर कमजोरी और बढ़ सकती है जो 50 से 75 पॉइंट की हो सकती है, अदरवाइज 11,450 निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर निचला सिरा होगा। ऊपरी स्तरों पर 11,575 11,600 वो रेंज है जहाँ जाते ही प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 30,500 निर्णायक लेवल के तौर पर मान के चलिए, 30,350 ये अहम सपोर्ट है आज के लिए और ऊपरी स्तरों पर 30,700 के पास पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती है और वहां पर पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग आज फिर से आपको आती हुई दिख सकती है, तो इस रेंज को ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। और अनिल जी साथ ही आज सेक्टर्स कौन से अहम होंगे? क्योंकि कच्चा तेल काफी तेजी से बढ़कर आया तो ज्यादातर वही स्टॉक्स वही सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। कल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों ने कमजोरी के संकेत दिए थे, खासतौर से आखिरी 15-20 मिनटों में जिस तरह से वो बिकवाली हुई, मुझे लगता है आज ये सारे स्टॉक्स गैप से नीचे खुलेंगे, यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है। पेंट शेयरों में भी थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है कच्चा तेल बढ़ने की वजह से, और वैसे भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स कमजोर हैं ही, तो पेंट कंपनियों के भी नतीजे बहुत अच्छे आएंगे इसकी संभावना कम है, तो मुझे लगता है ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो साफ तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और पेंट शेयरों पर आज नजर रखें क्योंकि क्रूड में जो तेज उछाल दिखा है इसका एक सीधा इम्पैक्ट, इसका एक सीधा असर आप इन तमाम सेक्टर्स पर, दोनों ही सेक्टर पर देख पाएंगे। ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में 11,450 से 11,600 की ध्यान में रखें, 30,500 बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक स्तर होंगे और 30,350 से 30,700 के बीच की ट्रेडिंग रेंज को आज ध्यान में रख के चलना होगा। लेकिन अब वक्त हो गया आज खबरों वाले शेयर्स जानने का और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी गुड मॉर्निंग, खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में होंगे? आज तो एक तो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, इसकी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रीव्स कॉटन का बाय बैक की आज एक्स डेट है, इस पे भी ध्यान रखिए। भाव 137 का, 175 के शेयर के भाव पर करीब 1.5 करोड़ शेयरों का बायबैक है, तो ग्रीव्स कॉटन पे ध्यान रखा जा सकता है। भाव ऊंचे थे, पहले से डिस्काउंटेड खबर है, आज वैसे रिएक्शन नहीं आएगा, हम बट एक्स डेट है उसकी कैलकुलेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर के तौर पर दिखेगी। अच्छा, रिजल्ट्स हैं आज CCL प्रोडक्ट्स के, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं, ये पॉजिटिव ही समझे क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है। इंफ्रा स्टॉक्स पे आज थोड़ा फोकस रखिएगा। कल दोपहर होते होते यानी बाजार होते होते खबर आई कि प्रधानमंत्री जो गर्म सड़क निर्माण योजना है उसके अंदर सरकार तीसरे चरण का फंड एलोकेशन कर रही है, ये करीब 80,000 करोड़ रुपया है जो सरकार ग्रामीण सड़क में दे रही है, तो ये एक बड़ी खबर है। छोटी छोटी जो इंफ्रा वाली कंपनीज इस पर आज पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं। DHFL
प्रमोटर आज अपने शेयर को गिरवी रख सकते हैं, ऐसी कुछ खबर है। आज लेंडर्स के साथ फिर से इनकी बैठक होने वाली इसी मुद्दे को लेकर। एक खबर सोर्स बेस्ड ये भी है कि ऑडिटर्स भी इनके इस्तीफा दे सकते हैं। 13 जुलाई को इनकी बोर्ड की बैठक है यानी कि शनिवार को, उससे पहले ही ये फैसला हो सकता है कि इनके ऑडिटर्स इस्तीफा दे दें। तो पॉजिटिव नेगेटिव खबर दोनों है और शेयर ऐसे ही रिएक्शन देता है। आज कुछ भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें, इंट्राडे में करें। इसके अलावा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे एक खबर है कि बोनस इश्यू पर 15 जुलाई को इनकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, उस पर फैसला लिया जाएगा। वरुण बेवरेजेस पे खबर है कि हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने की 27 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है। अरविंदो फार्मा पे खबर है कि एक दवा की एक मंजूरी इनको मिल गई है यूएस एफडीए से, जिसका यूएस में ही बाजार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है और ये दवा जो है किडनी के रोगों से जुड़ी हुई दवा है। तो अरविंदो फार्मा पे ये एक पॉजिटिव खबर है। अजमेरा रॉयल्टी कह रहे हैं कि घाट कॉपर में वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक जेवी किया है। आगे चल के इनको करीब 120 करोड़ रुपए की आय यहाँ से हो सकती है जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, अभी जेवी हुआ है तो पॉजिटिव खबर है। कॉक्सन किंग पे खबर आई है, इन्होंने पहले डेट चेंज की थी अपनी कि हमारा ये जो पेमेंट का टाइम है वो हमने 5 दिन पहले ही कर दिया था, 5 दिन बाद था। अब 5 दिन बाद भी इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, 125 करोड़ रुपए कमर्शियल पेपर पे इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। ये केयर ने पहले भी चिंता जताई थी, इसकी रेटिंग को घटा दिया गया है। अब 250 करोड़ रुपए की एनसीडीज की रेटिंग को BB से घटाकर D यानी कि जंक रेटिंग में इसको डाल दिया। कॉक्सन किंग आज फिर पिट गया। इसके अलावा IFCI ब्रिकवर्क ने इसकी रेटिंग को घटा दिया, वैसे भी शेयर अभी 10 रुपये के नीचे आ गया, रेटिंग को घटाया गया। इसकी NCDs की रेटिंग को AA- स्टेबल से घटाकर A+ नेगेटिव कर दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। एक और खबर है जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, प्रीमियर एक्सक्लूसिव भारत डायनामिक्स, ये भी डिफेंस से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को उन्होंने ऑर्डर किया। तो भारत डायनामिक्स से 15 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसको मिला है यहाँ से, और ये मिसाइल के अंदर एक प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है उसके लिए इनको ऑर्डर दिया गया है प्रीमियम एक्सक्लूसिव को, 15 करोड़ का ऑर्डर है, बट पॉजिटिव खबर है। रैलीगेयर एंटरप्राइजेस सब्सिडरी रैलीगेयर फिनवेस्ट में पूरी हिस्सेदारी बेच देगी कंपनी, रकम का डिस्क्लोजर नहीं है, पता नहीं कितने बेचेगी, बट खबर आई है कि इसको बेचा जा सकता है। इंटर ग्लोब एविएशन, इस पे खबर है कि IGC ग्रुप की बर्गर किंग की भारतीय फ्रेंचाइजी ये खरीद सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो सकती है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एवरस्टोन कैपिटल की भी यहाँ पे कंपनी में करीब 1400 करोड़ रुपए के निवेश लगाने की अप्रूवल आ रही है। TVS मोटर पे खबर आई है कि इन्होंने 100cc की एक मोटरसाइकिल श्रीलंका में लॉन्च किया, भारत में भी लॉन्च कर चुके हैं वो है TVS स्पोर्ट्स के नाम से। औसतन कीमत भारत में 45,000 रुपये, तो लंका में भी इतने की ही इसकी कीमत होगी। अब कुछ प्रमोटर एक्शन, अदानी ग्रीन्स इसके प्रमोटर्स ने 6 करोड़ शेयर गिरवी रख दिए, फ्यूचर रिटेल प्रमोटर ने 6 लाख शेयर गिरवी रखे हैं, ऑरेंट इलेक्ट्रिक पंखे बनाती है कंपनी 19 से 28 जून के बीच में 1.5 करोड़ शेयर इन्होंने भी गिरवी रखे हैं इनके भी प्रमोटर्स ने। चलिए तो बिल्कुल इवेंट्स तो हैं जिसमें सबसे खास है एक्सपायरी, लेकिन साथ ही इंफ्रा रियल्टी और फार्मा सेक्टर्स पर आज खास फोकस रहेगा। डिम्पी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आज बाजार में कहां हो सकती है कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं LKP सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे। रोहित गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल क्लोजिंग के दरमियान ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया, इनफैक्ट BSE के सभी सेक्टर्स लाल निशान में थे। आज सेक्टर स्पेसिफिक निफ्टी बैंक निफ्टी की जब वीकली एक्सपायरी का दिन है, आप स्ट्रैटेजी क्या सुझाएंगे? हेलो जी, गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 11,460 के करीब करीब, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देख सकते हैं आज के सेशन के अंदर, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो हर्डल है 11,620 के करीब करीब, वहां पर एक बार निफ्टी जा सकता है, तो बाय करने की सलाह रहेगी। 11,460 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 11,580 का रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो मुझे ग्लेनमार्क फार्मा काफी अच्छा लग रहा है, काफी बड़े अकोमोडेशन के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद सस्टेन भी करा था, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग करके चलना चाहिए, 460 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए, 435 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा FSL रहेगा, कल के सेशन हम लोग ने एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था स्टॉक के अंदर, आई थिंक यहाँ पर भी लॉन्ग करके चलना चाहिए, 5350 के टारगेट के लिए स्टॉक 51 का रहेगा। बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते और अब वक्त हो गया आज की अहम ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। सबसे पहले शुरुआत एक्सिस सिक्योरिटीज की राय से कर लेते हैं। अच्छा, आज जितनी ट्रेडिंग कॉल्स है उसमें 2 ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की तरफ है और 1 बिकवाली की तरफ है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि डिविज लैब में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1650 के लक्ष्य को यहाँ पर ध्यान में रखें, 1605 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही गोदरेज में
यहाँ पर बिकवाली की रणनीति है। गोदरेज कंज्यूमर पर 610 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको बिकवाली करके चलना है। 648 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ एक और ट्रेडिंग कॉल की तरफ देख लेते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज, इनका मानना है कि कैनफिन होम में आपको करनी है खरीदारी और हिंदुस्तान यूनिलीवर पे करनी है बिकवाली। कैनफिन होम में 378 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 358 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं और साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए। यहाँ पर 1680 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा 1735 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। लेकिन कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इनफैक्ट फेड चेयरमैन की जो टेस्टिमनी आई उसके बाद सोने में चमक दिखी है, बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो टेस्टिमनी आई थी उसके बाद हमने डॉलर में वीकनेस देखी थी और तुरंत एक गोल्ड में स्पट आते हुए देखा था, जो कि अभी भी एक पॉजिटिव साइड में है। हमें लगता है कि गोल्ड में आने वाले दिनों में तेजी बरकरार रहेगी। हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर टारगेट करीबन 35,200 तक मिल सकता है। अच्छा, और साथ ही सिल्वर में क्या आप खरीदारी की रणनीति देंगे? देखिए, बिल्कुल, सिल्वर के अंदर भी हमने कंटिन्यूस तेजी आते हुए देखी है और बेस मेटल में कल हमने रिकवरी देखी थी। आज भी लगता है कि बेस मेटल रिकवर होंगे तो उससे सिल्वर को भी सपोर्ट मिलेगा, तो सिल्वर के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट करीबन 38,939 तक मिल सकता है। चलिए, तो जो तेजी है वो बिल्कुल बरकरार रहती हुई दिखेगी बुलियन मार्केट में। सोने और चांदी दोनों में करनी है आपको खरीदारी। गोल्ड में देखिए, आपको 34,550 के स्टॉप लॉस के साथ 35,200 का टारगेट ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाना है। और साथ ही सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 37,900 के स्टॉप लॉस के साथ 38,900 का यहाँ पर टारगेट ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अनुज, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन सी शेयर्स हैं ये जान लेते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गई हमारी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आश्र। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भारतीय इंफ्राटेल की, जो सीएलएस एक रिपोर्ट आई है उसी से। और यहाँ पे सीएलएस बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 250 रुपए तक का दे रहे हैं। मध्यम में जो टेंडेंसी में जो ग्रोथ है वो उनको कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं ग्रोथ आने के, और इसी के चलते वो मानते हैं कि इंडस टावर के साथ जो विलय है उसके सिनर्जी बेनिफिट्स पे मिलते हुए कोई फिलहाल के लिए दिख नहीं रहे हैं, 250 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। मैक्वायरी के आज पेट्रोनेट एलएनजी पर पॉजिटिव रिपोर्ट आते हुए देखिए, जहां पे आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है और उन्होंने लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 270 से बढ़ाकर अब 310 तक के नए टारगेट्स दे रहे हैं। मानते हैं कि जो वॉल्यूम का डेटा आता हुआ दिखा है वो काफी पॉजिटिव है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली तिमाही में जो वॉल्यूम डेटा आता हुआ दिखा है। साथ ही वो मानते हैं कि एलएनजी का इंपोर्ट वॉल्यूम डेटा में बढ़त आती हुई दिखी है, जिसके चलते उन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी करीब 13% की बढ़त की है। सिटी की डॉक्टर रेड्डीज पर आज रिपोर्ट आई, अब ये मिक्स रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूं, बिकवाली की सलाह है वो उन्होंने बरकरार रखे, 2670 के लक्ष्य भी उन्होंने बरकरार रखे हैं। यूएस में जो एक दवा है, यूएस में जो एक कंपनी है अमनीला, उनकी एक अहम प्रोडक्ट है, दवाई है नुवा रिंग। इस दवा के लॉन्च में काफ़ी देरी लग सकती है वैसे संकेत आते हुए दिखे हैं। अब ये जो दवाई है वो डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी काफ़ी अहम है। अब देखना होगा कि ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू है या फिर पूरे क्षेत्र में कोई दिक्कत है। अगर क्षेत्र में दिक्कत है तो डॉक्टर रेड्डी के लिए नेगेटिव है, लेकिन सिटी इसको बिकवाली की सलाह दे रहे 2670 तक के लक्ष्य के लिए। और आखिर में एचएसबीसी की केरला हेल्थ पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है, कमेंट्री काफी नेगेटिव आती हुई दिखी है और साथ ही उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटा दिए हैं। 410 तक के लक्ष्य थे वहां से घटाकर 260 कर दिए हैं और मानते हैं कि नए लॉन्च के चलते अमेरिका के जेनरिक कारोबार में स्थिरता की उम्मीद उनको लग रही है, फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी तिमाही में घरेलू कारोबार सुधरने की उम्मीद है, लेकिन पहली तिमाही में उनको कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। चलिए, तो ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज नजर बनाकर ध्यान रखकर चलना है। देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जाते जाते एक बार एशियाई बाजार देख लेते हैं। देखिए, 11,538 के लेवल्स पर एसडेक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। खरीदारी के जो स्तर थे 11,525 से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां से अब तेजी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। हांगकांग के बाजार 340 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं, 28,544 के स्तर पर कर रहे हैं ट्रेड। और निक्केई और शांघाई भी खरीदारी में ही दिख रहे हैं, निक्केई में 63 अंकों की तेजी। और साथ ही कल अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग जो थी वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर होती हुई दिख रही थी। तो क्रूड और करेंसी को छोड़ अमेरिकी बाजार और एशियाई बाजार के रुख जो हैं वो तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, पाप ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।